पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा अंतियों क्या तो मैं नजर नहीं आता। तू लगा नजर तो आते पर इतना हसीन बहुत कम कम नजर आता है। क्या मतलब? कोशा तुम कितना प्यारा है, हमने तुम्हारा तारीफ किया। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? ओ शर्म, अबे पठान को शर्म और भरम अपनी मर्जी से आता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी बाजी। बाजी बाजी वाला मिया, इतना प्यारा प्यारा गोलगप्पा कैसे बनाया तुमने? मैंडी। हाँ मैंडी, यहाँ हूँ, आ जाओ। ये तुमने क्या ड्राइंग रूम में नीलाम घर लगाया हुआ है? कहाँ से लाई हो ये कूड़ा कबाड़? ये मेरी बड़ी काम की चीजें हैं, मैं तो बड़ी उम्मीद से हूँ। है तुम्हारी तो अभी शादी भी। मैंडी शट अप, कभी तो कोई अकल की बात किया करो। खाली पेट बुरे बुरे ख्यालात क्या हमारा बेकार ही आ सकती है, अकल नहीं। अरे यार, इसीलिए तो मैंने बिजनेस सेटअप किया है, बस एक दफा ये बिजनेस कामयाब हो जाए फिर देखना, हम एक साल की रोटियां एक ही झटके में हासिल कर लेंगे। एक साल की रोटियां एक साथ? लेकिन वो खराब नहीं हो जाएंगी? मैंडी अपनी ये बक बक बंद करो और जाओ घर में जितना पुराना सामान है ना सारा चुन के ले आओ। हैं? लेकिन क्यों? जाओ मैंडी। हाँ शैला, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, बताया तो है एक जबरदस्त एंटीक शॉप ओपन की है। हाँ बस तुम अच्छे अच्छे क्लाइंट्स लाती रहो और अपनी कमीशन लेती रहो। नो, हर डील की कमीशन उसकी कीमत के मुताबिक होगी। नो एडवांस, नो हैंकी पैंकी, नेट डील नेट कैश, डन? हाँ तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूं? ओके थैंक यू, बाय। बड़ी गाई, नो हैंकी पैंकी, नो डील, मुझे बात की समझ नहीं आ रही है, तुम ये कबाड़ी का काम घर में कैसे स्टार्ट कर रही हो? इसके लिए तो तुम्हें रेडी लेके बाहर गली मोहल्लों बाजारों में जाना चाहिए, लोया बेच लो, लैने बेच लो, कपड़े हैं तो पांडे। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ कम ऑन यार, मैं सीरियस हूँ। और तुम देखना, इसी सामान को जिसको तुम कूड़ा कबाड़ कह रही हो ना, इसी को बेच कर मैं लाखों रुपए कमाऊंगी। मानो ना मानो तुम्हारा दिमाग चल गया है, वो लोग बेवकूफ या पागल नहीं जो तुम्हारा ये कूड़ा कबाड़ हंसी खुशी खरीद लें। बुद्धू, ये जो इजी मनी होती है ना, ये इसी तरह के फजूल कामों में खर्च होती है। बड़े लोग लाखों रुपए के कुत्ते और सांप खरीद लेते हैं, करोड़ों की वो तस्वीरें खरीदते हैं जो सिर्फ एक बेजान तस्वीर के और कुछ नहीं होती, लेकिन इस पैसे से किसी की मदद नहीं करते। हाँ, किसी भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाते। वाकई? किसी नंगे के सर पर चादर नहीं देते। हाय मैं मर गई। लेकिन फजूल चीजों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, वो भी कुछ सोचे समझे बगैर। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इजी मनी किस बला का नाम है? ब्लैक मनी, जो किसी शॉर्टकट के या मेहनत किए बगैर हाथ आती है, और लोग इससे चीजें खरीद कर लॉन्ड करते हैं। लेकिन लाखों रुपए लगा कर तीन डब्बे खरीदना, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। स्टेटस कॉन्शियस बेबी, स्टेटस कॉन्शियस, और हमें ऐसे लोगों का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना। मुश्किल है, मेरा उल्लू तो शायद सीधा हो ही जाए, लेकिन तेरी पूछल। शट अप! ये सैंडल किसकी है? लंडे की। चुप कर मैं। मैम इसका मतलब है कि लिंट से लोहन की जूती है ये। ये किस जगह का लंडा है? लंडा नहीं है मैम, वो ना बहुत बड़ी हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, और उन्होंने ना ये जूता अपनी सातवीं शादी पर पहना था। मैं अपनी चौथी शादी पे यही सैंडल पहनूंगी। कितने की है, क्या प्राइस है इसके? ये 30-35 रुपए दे दे। चुप करो मैनी, कैसी बातें करती हो तुम। अब मैम इसका मतलब है कि $30-3500 है इसकी कीमत। $30-3500। मैं आपको ना इस सैंडल के 5 लाख दूंगी। नहीं मैम, आप इतने प्यार से कह रही हैं तो ये सैंडल हम आपको 6 लाख में डन करते हैं, बस 6 लाख में डन। ओके 6 लाख में डन, ठीक है। रिजवान, जब से सैंडल पहन के मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो कितनी प्यारी लगूंगी मैं।
शुक्र, ये ख्वाब था। अल्लाह करे हमारा झूठ झूठ ही रहे, सचपन के कभी हमारे सामने मत आए।